हमीरपुर में निजी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कार्रवाई की गई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच भोटा चौक के पास बनाई गई 9 दुकानों पर प्रशासन और पुलिस के पहरे में कार्रवाई कर पीला पंजा चलाया गया है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाने से पहले ही भोटा चौक के आसपास पुलिस दल बड़ी संख्या में तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। बता दें कि साल 1988 में निजी भूमि पर अवैध निर्माण करके करीब 9 दुकानें बनाई गई थी और कोर्ट में करीब 30 सालों तक चले मामले पर गत 2 साल पहले ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दुकानों को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन 2 साल तक हमीरपुर जिला न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए लग गए, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए दुकानों से कब्जा हटवाया गया है। मौके पर मौजूद तहसीलदार हमीरपुर मित्रदेव सिंह ने बताया कि दो परिवारों के बीच निजी भूमि का विवाद चला हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 दुकानों को गिराने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत ही दूसरी पार्टी को कब्जा दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में मामला करीब 30 सालों तक चलता आया है। ऐसा है कि लर्नर सिविल जज कोर्ट नंबर 2 हमीरपुर ने ये जो फूड प्रॉपर्टी है उनका डिस्प्यूट जो चला हुआ था उसमें दोनों पार्टी का सुमनावर्ती से लोग थे, उसमें इनको जो DS है उनको कब्जा तोड़ के इसको डिमोलिश करके जो उनका DS है उनको कब्जा देने का आदेश दिया, तो उसी के मतलब उस आदेश के अनुपालन में इसको तोड़वा के उसको मतलब दूसरी पार्टी को कब्जा दिया। हमारे पास वो भी जैसे जज साहब दौड़ रहे हैं उनके साहब जो पालना कर रहे हैं, पर आज वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले मालिक नरेंद्र सिंह ने बताया कि 1988 से अवैध कब्जा किया गया था और 30 सालों तक कोर्ट में केस चला आ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कब्जा दिलाया जा रहा है। ये हमारे फादर मदर श्री सुमना देवी ने और उनके खास क्या नाम है सुरेश कुमारी जी, उन्होंने 1988 में ली थी। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब मार कुटाई भी हुई थी, अवैध कब्जा कर लिया था उन्होंने, ये फोटोग्राफी भी हुई थी, फोटो वगैरह लगा के इनका भी स्टे भी हुआ था, स्टे के बाद कंडापटा कोर्ट भी लगा था, परंतु इन्होंने नहीं काम को रखा। तो कितने साल केस चला वो सर? हमारा 1988 से लेके आज 2018 तक केस चला, उसको कम से कम 30 साल हो गए। तो आज प्रशासन जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रशासन यहाँ भोटा चौक में इकट्ठा है, तो वो हमें पोजेशन दिलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमें मिले। गौरतलब है कि कसौली में अवैध निर्माण हटाने के समय हुई गोलीकांड घटना के बाद अब प्रशासन और पुलिस दोनों ही चौकन्ने हो गए हैं, जिसके चलते ही आज सुबह से हमीरपुर में भारी संख्या में पुलिस दल घटना स्थल पर मौजूद रहा और इस अवसर पर SP रमन कुमार मीणा, DSP रेणु शर्मा, IPS आकृति शर्मा, तहसीलदार मित्रदेव सिंह भी मौके पर मौजूद रहे।